जय हिंद दोस्तों। सेना भर्ती में TOD सिस्टम लागू होने के बाद दोस्तों सेना एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है और इसको लेकर दोस्तों तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। खबर यह है कि इंडियन आर्मी और एजुकेशन कंसल्टेंट के बीच दोस्तों समझौता हुआ है। अब सेना भर्ती में दोस्तों आप लोगों की जो प्रक्रिया है वो दोस्तों कुछ अलग तरीके से होने वाली है, क्योंकि इसमें दोस्तों कुछ नियम बदलाव हुए हैं। जैसा कि दोस्तों इसमें आपका सबसे पहले भारतीय सेना AMU के तहत दोस्तों कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि दोस्तों CE पहले दोस्तों आपका फिजिकल से पहले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करवाने की तैयारी में लगी हुई है। यह सेना भर्ती में AMU CE कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम अब सेना भर्ती में भी ऑनलाइन करवाया जाएगा। इसको लेकर EDGPI इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दोस्तों ये जानकारी दी गई है, और यह जानकारी दोस्तों आपकी बिल्कुल सटीक जानकारी है। इसमें कहा गया है कि CE यानी कि दोस्तों कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम अब सेना में भी ऑनलाइन करवाया जाएगा। इसको लेकर भारतीय सेना में और एजुकेशन कंसल्टेंट्स के बीच दोस्तों समझौता भी हो चुका है। तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये उसी के बाद की तस्वीर है दोस्तों, जो दोस्तों ट्विटर में हैंडल करते समय ट्वीट की गई है। और यह भी जानकारी मिली है कि जो अगली सेना भर्ती होगी उसमें दोस्तों आपका फिजिकल से पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाया जाएगा। कि इसको लेकर दोस्तों आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, और इसको लेकर दोस्तों सोशल मीडिया पर YouTube पर दोस्तों काफ़ी वीडियोज़ भी आने लगी है। पहले समय से ही ऑनलाइन एग्जाम तैयारी कराने के लिए दोस्तों पहले से ही दोस्तों यह विचार बना रही है। इसको लेकर दोस्तों सेना ने AMU भी कर लिया है, जो कि दोस्तों आपकी अगली भर्ती होगी उसमें दोस्तों उन्होंने विचार बनाया है कि इस बार दोस्तों फिजिकल से पहले आपका ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाएगा। मन में एक डाउट हो रहा होगा कि यह ऐसा हो क्यों रहा है, तो दोस्तों ऐसा इसलिए से हो रहा है दोस्तों कि काफ़ी सेंटरों पर दोस्तों अलग अलग राज्य से जो युवा भर्ती देखने जाते हैं वो दोस्तों भारी संख्या में पहुंचते हैं। जो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम यदि आपका फिजिकल से पहले करा दिया जाएगा तो फिजिकल के लिए दोस्तों वही कैंडिडेट एलिजिबल रहेगा जो दोस्तों इस CE यानी कि दोस्तों कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम को दोस्तों जो कैंडिडेट कंप्लीट कर लेगा यानी कि दोस्तों पास कर लेगा या दोस्तों कट ऑफ को पार कर लेगा। जो कैंडिडेट दोस्तों इस CE एग्ज़ाम को दोस्तों क्रैक करेगा वही फिजिकल देने के लिए एलिजिबल रहेगा। तो ऐसे में दोस्तों होगा क्या कि वही लड़का जाएगा जो दोस्तों कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम को दोस्तों पास करेगा और फिजिकल दोस्तों दे पाएगा, और फिजिकल में दोस्तों भारी संख्या में जो भीड़ होती थी वो दोस्तों नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों काफ़ी कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो दोस्तों CE एग्ज़ाम में फेल होंगे। तो ऐसे में दोस्तों फ़ायदा ये रहने वाला है कि आपको दोस्तों भर्ती में भीड़ कम देखने को मिलेगी। ये कब से लागू होता है तो इसकी दोस्तों अभी कोई विशेष जानकारी नहीं मिली है, लेकिन दोस्तों इस पर दोस्तों सेना जो है वो पहले भी दोस्तों चर्चा कर चुकी है, और ये कब से लागू होता है इस पर दोस्तों अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। जो आपकी सेना भर्ती अगली भर्ती 2023 में कराई जाएगी उसमें भी दोस्तों कुछ नियम भी बदले जाएंगे, जैसे कि दोस्तों एज को लेकर। जैसा कि दोस्तों आपका जो ये पहला बैच बनाया गया था इसमें आपकी जो एज रखी गई थी वो 17 साल से लेकर दोस्तों 23 साल रखी गई थी, क्योंकि दोस्तों COVID-19 के कारण दोस्तों भर्तियाँ नहीं हो पाई थी, तो इस कारण दोस्तों युवा जो है ओवर एज हो गए थे, उनको दोस्तों 23 साल की छूट इसमें दे दी गई थी। लेकिन जो अब आपकी दोस्तों सेकेंड बैच की भर्ती होगी उसमें दोस्तों आपको एज में छूट नहीं दी जाएगी, तो आपकी उसमें एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है 17 से 21 साल, एयरफोर्स नेवी आर्मी तीनों सेनाओं के लिए। तो आप लोगों को दोस्तों ये बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा अगले सेकंड बैच 2023 की भर्ती में, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। इस बार जो कैंडिडेट है वो 17 से 23 साल तक के युवा नहीं लिए जाएंगे, केवल 17 से 21 साल तक के युवा लिए जाएंगे, तो ये बदलाव देखने को मिल सकता है। और हो सकता है दोस्तों इस बार आपका ऑनलाइन एग्जाम पहले करवाया जाए, तो आपको ये दोस्तों दो बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो इस पर दोस्तों अभी कोई विशेष जानकारी नहीं मिली है, तो जैसे ही जानकारी मिलती है तो आपको दोस्तों सूचित किया जाएगा। आप सभी युवा इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो अब ये स्कीम जो है दोस्तों लागू होनी चाहिए या नहीं, तो आप अपनी राय दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों सेना भर्ती से जुड़ी सच्ची और अच्छी खबरों के साथ। तो दोस्तों इस चैनल पर दोस्तों आपको सेना भर्ती से जुड़ी सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो दोस्तों अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों यह कब से लागू होता है इस पर जैसे ही दोस्तों कोई आधिकारिक जानकारी मिलती है तो आपको दोस्तों सूचित किया जाएगा, और हो सकता है दोस्तों आपकी अगली आने वाली भर्ती जो आपका दोस्तों दूसरा बैच 2023 में होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपकी जो दोस्तों अग्निवीर अग्निपथ स्कीम जो दोस्तों लागू की गई है वो दोस्तों 1 ईयर में दोस्तों 2 बार कराई जाएगी, यानी कि दोस्तों हर 6 मंथ बाद कराई जाएगी। तो आपके दोस्तों ये लगभग में है कि काफ़ी स्टेट में दोस्तों भर्ती हो भी रही हैं, और काफ़ी स्टेट में दोस्तों कुछ भर्तियां पोस्टपोन्ड भी हुई हैं, और काफ़ी भर्तियां हो भी रही हैं। तो इसको लेकर दोस्तों अभी कोई जानकारी नहीं मिली है कि आपका जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये दोस्तों अभी से लागू नहीं होगा,
जो अगली भर्ती दोस्तों आपकी आएगी, यानी कि दोस्तों इसका सेकेंड बैच बनाया जाएगा, उसमें दोस्तों हो सकता है ये नियम लागू कर दिया जाए। तो इस पर दोस्तों जैसे ही कोई आधिकारिक जानकारी मिलती है तो आपको दोस्तों सूचित किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।